हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड ओपन स्कूल क्लास 12th हिंदी असाइनमेंट मार्च महीने का। आज मैं पूरे असाइनमेंट को उत्तर के साथ आप लोगों को वर्णन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन यूट्यूब पर दिया गया है उनको प्रेस कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इसके आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। वो करने से आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाते हैं जब भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोड होता होगा। बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट में 5 या 6 प्रश्न दिए होंगे, उनके उत्तर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से आपको वर्णित करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को असाइनमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो पहला प्रश्न है, पत्थर तोड़ने वाली जहाँ बैठी थी उसके सामने के दृश्य का वर्णन कीजिए। इसे अपने शब्दों में भी वर्णन कर सकते हैं आप। किस तरह से करना है एक आप आइडिया ले सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है। तो इस कविता का जो नाम था तोड़ती पत्थर है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने इलाहाबाद के सड़क के किनारे तपती धूप से पत्थर तोड़ती हुई एक श्रमिक महिला का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवि ने यहाँ पर क्या किया है, इस एक श्रमिक महिला का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहता है कि इलाहाबाद के पथ पर एक श्रमिक महिला पत्थर तोड़ रही थी। वह पत्थर तोड़ने तपती हुई धूप में पत्थर को तोड़ रही थी। उसके स्थान पर कोई छायादार वृक्ष भी नहीं था। वह कार्य कर रही थी, जहाँ वह कार्य कर रही थी उसके सामने बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ पौधे थे, बड़ी बड़ी इमारतें, विशाल भवन तथा उनकी चार दीवारी थी। तो इस तरह से उस उत्तर को आप अपने असाइनमेंट पर दर्शा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, दुनिया के सारे अनपढ़ तानाशाहों ने सबसे पहले पुस्तकालय जलाए या किताब को कुचला क्यों? तो चलिए इनके उत्तर को देखते हैं। इस तरह से इनके भी आंसर आप अपने पॉइंट व्यू ऑफ पॉइंट दे सकते हैं, किसी भी तरीके से टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ों का आप हेल्प लेकर या इसी चीज़ को बारीकी से समझकर अपने आधार पर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त गद्यांश अनपढ़ बनाए रखने की साजिश पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम आप याद रखेंगे, अनपढ़ बनाए रखने की साजिश, जिसके रचयिता आपको भी याद होना चाहिए, राजेंद्र यादव जी है। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश पर मुख्य रूप से भारत के आम लोगों को साक्षर बनाने में आ रही है। बाधाओं का विवेचना किया गया है, जो भी बाधाएं हैं उनका विवेचना किया गया है। यह संपादकीय में आम बजट के कुछ प्रावधानों को आधार बनाकर लिखा गया था, जिसमें कागज के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन पूंजीपतियों और अमीर लोगों के द्वारा जरूरत की गई इस्तेमाल की जाने वाली ऐशो आराम की चीज़ों या वस्तुओं की आयात छूट दी गई थी। दुनिया के जितने भी अनपढ़ तानाशाही है उन्होंने सबसे पहले पुस्तकों तथा पुस्तकालयों दोनों को जलाया है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया इस आंसर को, तर्क कैसे दे सकते इस आंसर के लिए आपको एक आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या क्या अंतर होता है? तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक तो पत्र, तो पहले देखेंगे औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में डिफरेंस। तो औपचारिक पत्र आधिकारिक या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र आधिकारिक या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों का प्रयोग आकस्मिक या व्यक्तिगत संचार के लिए किया जाता है। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनका प्रयोग आकस्मिक या व्यक्तिगत यानी कि किसी पर्सन के लिए किया जाता है। इस पत्र में एक औपचारिक उद्देश्य का होना अनिवार्य है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उद्देश्य होना कोई आपका ऑप्शनल होता है।
औपचारिक पत्र में किसी भी प्रकार के त्रुटि नहीं होना चाहिए, औपचारिक पत्र में किसी भी प्रकार का कांट छांट नहीं होना चाहिए, औपचारिक पत्र में गलती मान्य है, किसी औपचारिक जो पत्र अनौपचारिक पत्र है उनमें गलती मान्य होती है। एक औपचारिक पत्र का आकार क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसके विपरीत अनौपचारिक पत्र संक्षिप्त या बड़ा कैसे भी उसको वर्णित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनके चार अंतर डिफरेंसेस इजीली तरीके से बता सकते हैं। कुछ पॉइंट स्टूडेंट को अगर और भी याद है उन चीज़ों को भी आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे गलती लिखा हुआ है, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। जहाँ पर अनौपचारिक सेक्शन है थर्ड पॉइंट पर, वहाँ पर अनौपचारिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन की किन्हीं चार विशेषताओं को लिखिए या समझाइए। तो एक प्रतिवेदन लेखन की बहुत सारी विशेषताएं होती है, तो कुछ विशेषताएं देखते हैं। प्रतिवेदन ना तो बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए, लेंथ उसका एकदम सूटेबल होना चाहिए। विषय वस्तु पर ध्यान होना चाहिए ताकि पाठक के हित में बनाए रखे। प्रतिवेदन ना तो छोटा या ना तो बड़ा होना चाहिए, विषय वस्तु पर फोकस होना चाहिए ताकि पाठक के हित में बनाए रखे यह हमेशा एक उद्देश्य शैली और सरल भाषाओं में लिखा जाना चाहिए। इसमें शुद्धता, सटीकता और स्पष्टता विद्यमान दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इनको प्रेजेंट करें। एक अच्छे प्रतिवेदन लेखन में स्पष्ट सोच, तार्किक संगठन और ध्वनि व्याख्या को जोड़ना चाहिए। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में या क्रमबद्ध होना चाहिए, सारी बातें सिलसिलावार लिखना चाहिए, लिखी होनी चाहिए, सिलसिलावार लिखी होनी चाहिए। इस तरह से आप प्रतिवेदन की चार विशेषताओं को लिख सकते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, कठिन परिस्थितियों मुसीबतों से भागना उनसे बचने का उपाय नहीं है, संघर्ष कर उन्हें पराजित करना ही जीवन का लक्ष्य है। उक्त पंक्ति का आशय अनुराधा कहानी के पाठ के आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले इनको हमको समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद देन उनके आंसर को आप डेवलपिंग करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी बता रहा हूँ आपको। अनुराधा शहर में पली बड़ी एक सामान्य मध्यम वर्गीय नारी थी। कैसी नारी थी? मध्यम वर्गीय नारी थी। वह अपना यानी कि कैरियर बनाना चाहती थी, अपने जीवन को संवारना चाहती थी, परंतु उसके माता पिता इच्छा के अनुसार उनको जल्दी शादी करना पड़ा और उनके जो पति थे HIV एड्स पॉजिटिव थे। परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अनुराधा एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और उसका डट कर सामना करने का हिम्मत जुटाई और डट कर सामना किया, अपने जीवन संघर्ष से दूर नहीं भागी और उनको पराजित कर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको बहुत ही जल्द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ सारे के असाइनमेंट नोट्स कल आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।